अक्सर अच्छी और बुरी आदतों के बीच बस थोड़े से मार्जिन का फर्क रह जाता है। योगा मैट सामने थी लेकिन रिमोट ज्यादा पास था। आइसक्रीम पूरी नहीं खानी थी बट उसे आधा करने का भी मन नहीं था। पढ़ने का प्लान था बट फ्रेंड का कॉल आ गया। कभी कभी अच्छी आदतें सिर्फ स्टार्ट ना कर पाने की वजह से चूक जाती हैं। शॉन एकर अपनी बुक हैप्पीनेस एडवांटेज में अपनी इसी स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करते हैं। उनका एक क्लियर गोल था कि उन्हें एवरी डे गिटार प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एवरी डे वो इस हैबिट को स्टार्ट करने से चूक जाते थे। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद जब वो थके हारे घर आते थे तो उन्हें रिमोट एक्सेस करना ज्यादा आसान लगता था और क्लोजेट से गिटार को बाहर निकालना मुश्किल। यानी इस काम में लगने वाले केवल 20 सेकंड के एफर्ट की वजह से वो हर दिन गिटार प्रैक्टिस अवॉइड करते थे। अगर हम इस प्रॉब्लम की गहराई में जाएं, तो हर हैबिट को इंप्लीमेंट करने में मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं और इन्हीं टाइनी एक्शंस को एक एक करके पूरा करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जिम जाने के बारे में सोचते हैं तो आप मेन टास्क यानी एक्सरसाइज से ज्यादा ये सोचकर डिस्करेज फील करते हैं कि आपको उसके लिए कितनी तैयारी करनी होगी। जिम बैग पैक करना, जिम के कपड़े पहनना, फिर वहां तक ड्राइव करना, फिर वापस घर आना, शावर लेना, डिनर बनाना, सो इसमें तो कई सारे स्टेप्स हो जाते हैं। बट वॉट इफ आप पूरे प्रोसेस को छोड़ सिर्फ फर्स्ट इनिशियल टास्क पे फोकस करें, यानी इस केस में जिम बैग उठाना। एंड नॉट जस्ट दैट, बट ये भी कि आप उस फर्स्ट टास्क को अपने लिए कितना आसान एंड कन्वीनियंट बना सकते हो, यानी जिम बैग को एंट्रेंस डोर के पास रखना। एका के केस में उन्होंने रियलाइज किया कि उनके लिए गिटार को क्लोजेट से निकालना एंड उसे अनपैक करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, यानी उनका फर्स्ट टास्क ही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। तो उन्होंने रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कुछ चेंजेस किए। उन्होंने गिटार को अनपैक किया और लिविंग रूम में अपनी फेवरेट चेयर के पास एक स्टैंड पर रख दिया, और जिस बुरी आदत के लिए रेजिस्टेंस सबसे कम थी उसके लिए उन्होंने रिमोट की बैटरीज निकाली और उसे क्लोजेट में रख दिया। अब जब भी वो ऑफिस से घर आते तो उन्हें रिमोट यूज करना मुश्किल लगता क्योंकि उसके लिए उन्हें दूसरे रूम से बैटरीज लानी पड़ती, लेकिन गिटार आंखों के सामने होता तो वो उसे तुरंत उठा लेते। सिर्फ इस छोटे से चेंज से उन्होंने जीरो प्रैक्टिस से डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसे ऑथर ने द 20-second रूल का नाम दिया। एका ने अपनी बुक में कहा कि गुड हैबिट्स प्रैक्टिस करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी यानी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली उन्होंने अपने डिजायर टास्क के लिए रेजिस्टेंस सबसे कम की यानी 20 seconds easier, एंड अनडिजायर टास्क के लिए रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा यानी 20 seconds harder। सो ये स्ट्रेटजी आप किसी भी हैबिट को स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 20 seconds यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपके केस में हो सकता है कि आपको 20 seconds से ज्यादा टाइम लगे, मे बी 50 seconds या 5 minutes या 10 minutes। द पॉइंट इज कि आपको इन बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स को कम करना है या उन्हें डिस्ट्रॉय करना है एंड अपने डिजायरेबल हैबिट को और कन्वीनियंट बनाना है। ऑल्दो ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन सिर्फ ये करने से जरूरी नहीं है कि आप कंसिस्टेंट रहो। सो 20-second रूल के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेंगी। उन चीजों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो जो आपको अपने डिजायरेबल हैबिट्स को अचीव करने से रोकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी एक टाइम पर इंसोम्नियाक थी, यानी मुझे भी रात को सोने में प्रॉब्लम होती थी, एंड उसका मेजर रीजन था कॉफी। मैं हाईली प्रोडक्टिव बनने के चक्कर में दिन में 2 से 3 cups कॉफी पीती थी। मुझे रियलाइजेशन था कि कैफीन से नींद नहीं आती है, बट मेरे लिए प्रोडक्टिव रहना ज्यादा जरूरी था, एंड ऑल्सो कि मुझे कॉफी इनहेरेंटली बहुत पसंद थी। बट एक बार जब रियलाइज हुआ कि कैफीन नहीं बल्कि प्रॉपर स्लीप मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव रखेगी, तब मैंने खुद ही धीरे धीरे कॉफी पीना कम कर दिया, एंड अब तो मेरे घर में कॉफी आती ही नहीं है। सेम विथ वेट लॉस, अगर आप फॉर सम रीजन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे एंड एट द सेम टाइम अपनी डाइट को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देन डू दिस वन टाइनी थिंग। आप सिर्फ अपने प्लेट का साइज कम कर लो।
एक छोटी प्लेट या बाउल में खाने से आप ऑटोमेटिकली कम खाओगे। सो एसेंशियली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसे ही छोटे छोटे एनवायरमेंटल चेंजेस से आप अपने गोल को अचीव करना और आसान बना सकते हो। सो ऑप्टिमाइज योर एनवायरमेंट, जिससे आपके लिए बैड हैबिट्स को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाए एंड गुड हैबिट्स पे काम करना आसान। आई डोंट नो अगर आप इस टेक्निक से फेमिलियर है या नहीं, बट अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए आप एक मंथली हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज समथिंग जो आप खुद भी बना सकते हो या इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ एक साइड में हैबिट्स मेंशन होती है एंड दूसरी साइड में मंथ के सारे डेज। सो आप एक तरफ अपनी हैबिट्स लिखो एंड एवरी डे जब आप उस टास्क को कंप्लीट करते हो तो उस डेट के नीचे एक टिक मार्क डालो। इसे आप ये देख पाएंगे कि आप एक महीने में कितने दिन उन हैबिट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो। हो सकता है आपका रिकॉर्ड 100% हो या सिर्फ 50% हो, बट एटलीस्ट यू विल नो कि आपने कितनी कोशिश की एंड ऑल्सो कि इम्प्रूवमेंट की कितनी गुंजाइश है। यू नीड टू नो कि अगर आप पूरे मंथ में सिर्फ 5 या 10 दिन भी उस चीज़ को कर रहे हो, देन दैट्स अ गुड थिंग। अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर दैट एंड ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। सो बेसिकली ये एक क्रिएटिव तरीका है अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, सो दैट आप अपनी हैबिट को लेकर कंसिस्टेंट रहें। नॉर्मली क्या होता है कि हम ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखते हैं एंड वी गेट ऑल एक्साइटेड एंड एम्बिशियस कि अब कल से सारी चीज़ें टाइम पे होंगी, टाइम पे उठना, पढ़ाई करना, वर्कआउट करना, एवरीथिंग। बट आफ्टर अ वाइल इन सभी चीज़ों का ट्रैक रखना एंड रेगुलर रहना मुश्किल हो जाता है। सो स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद जस्ट 1 or 2 हैबिट्स। इनफैक्ट इफ नॉट डेली देन एटलीस्ट वंस अ वीक, बिकॉज इन एनी केस वो 0 से तो बेटर ही होगा। देयरफॉर अगर आप सिर्फ एक हैबिट को लेकर कंसिस्टेंट रहते हो, देन विथ टाइम इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड द मोटिवेशन टू ब्रिंग सम मैसिव चेंजेस इन योर लाइफ। अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल में अपनी हॉबीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो आई सजेस्ट कि आप ये वीडियो हाउ टू फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स जरूर देखें। कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किस एक हैबिट से शुरुआत करना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।